नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथनपो। दोस्तों चैनल में का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कि पुराने वेतनमान पर होगी शिक्षकों की बहाली, तो आइए जानते हैं क्या ये पूरा मामला। राज्य में तकरीबन 2100 पुराने वेतनमान वाले प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होगी। जिन पदों पर बहाली होगी वे सभी 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों के पद हैं जो रिक्त रह गए थे, और इन खाली पदों के लिए शिक्षकों के द्वारा बहुत दिनों से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी कोर्ट में। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों की नियुक्ति की दिशा में कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्रवाई चल रही है। इससे संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बहाली के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग काम कर रहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों के खाली रह गए पद भरे जाने हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये बहाली बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण ये बहाली नहीं हो पाई थी। कोर्ट का भी कुछ मैटर था, लेकिन अब वो जो खाली 2100 जो पद खाली बचे हुए थे उन पे सरकार अब नियमित शिक्षकों की बहाली कर रही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसको लाइक किए, दूसरों तक शेयर किए ताकि सबको जानकारी मिल सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।